पीछे लड़े होंगे बाप रे उस सब उस समय तो हम लोग पढ़ाते थे, आज फील कर रहे हैं कितना मुश्किल हुआ होगा उन लोग को लड़ने में। अपने अनोखे अंदाज से पढ़ाने को लेकर छात्रों के बीच चर्चित पटना वाले खान सर पर पुलिस ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। उनके खिलाफ राजधानी के पत्रकार नगर थाना में नामजद केस दर्ज किया गया, इसकी पुष्टि हो गई है। पटना पुलिस ने सिर्फ खान सर ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ कुल 6 टीचरों और 16 छात्रों को इस केस में नामजद किया है। आरोप है कि खान सर समेत सभी नामजद टीचरों और अन्य कोचिंग संचालकों ने ही रेलवे अभ्यर्थियों को हंगामा और प्रदर्शन के लिए उकसाया था। मनमाफिक रिजल्ट नहीं आने से खान सर समेत बाकी सभी टीचरों ने एक षड्यंत्र रचा। इसमें सोशल मीडिया पर वायरल खान सर के वीडियो ने भी आग में घी डालने का काम किया। वीडियो को देखकर छात्र भड़क गए, इस कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई। खान सर ने अपने ऊपर लगे आरोप पर कहा कि कुछ यूट्यूबर कुछ भी बोल देते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, हम लोग छात्रों को रोक रहे हैं। हमारे चैनल को एक सप्ताह से फ्रीज कर दिया गया है। हम यूट्यूब पर जैसे ही किसी वीडियो पर RRB लिख रहे हैं उसे डिलीट कर दिया जा रहा है। लड़कों को दे देता लो मानो, तो ये नोकिया का जमाना नहीं है कि आप जो बोल देंगे चल जाएगा। अब ये जमाना है 5G हो गया है, सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया छोटे से बात को नेशनल लेवल तक पहुंचा दे। हम पटना में बैठ के पूरा भारत कन्याकुमारी कंट्रोल कर दे नहीं हो पाएगा। हमें आरा के लड़कों को कल मना किया, आज आरा में कुछ नहीं हुआ। आप देखिए जहानाबाद और गया के लड़कों को हम लोग मना किए थे स्पेशली, वो वीडियो ही हटा दिया वहां पर, इस वजह से थोड़ा सा हो गया। दरअसल RRB NTPC में हुए एग्जाम रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने 24 जनवरी को पटना के राजेंद्र टर्मिनल पर सबसे पहले हंगामा शुरू किया था। उस दिन ट्रेन रोकी थी, पुलिस पर पथराव किया था जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की थी। बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए रेल पुलिस के साथ ही पटना पुलिस और जिला प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि अब RRB ने परीक्षा स्थगित कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।